इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी माँ का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। প্রধানমন্ত্রী লাজ পোয়াও সিট, নরেন্দ্র মোদীক প্রিয়ঙ্কার প্রত্যাক্রমণ, নোটবন্দীরে মোদিয়া কাঢ়িছিল মহিলার ধন, কৃষক শহীদর পত্নীর মঙ্গলসূত্র কাঢ়িছিল বিজেপি সরকারে, মঙ্গলসূত্রর রাজনীতির কঠোর প্রত্যুত্তর প্রিয়ঙ্কা গান্ধীর। মুকলি মিথ্যাচারেৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কৰা ধাৰাবাহিক সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্যক এইবাৰ উভতি ধৰিছে কংগ্ৰেছ নেত্ৰী প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে। নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মহিলাৰ মংগলসূত্ৰ কংগ্ৰেছে কাঢ়ি নিব বিচাৰিছে বুলি ইখনৰ পাছত সিখন সভাত মন্তব্য কৰি আহিছিল। নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ অভিযোগ, কংগ্ৰেছৰ চকু দেশৰ সম্পত্তিৰ ওপৰত, কংগ্ৰেছৰ চকু মহিলাৰ সম্পত্তিৰ ওপৰত। माताओं बहनों का मंगल सूत्र अब सलामत नहीं रहेगा, ये कांग्रेस ने कहा है। यार पसते प्रधानमंत्री मोदी कठोर प्रत्युत्तर कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधीर, निर्वाचनी प्रसार सभा प्रियंका गांधीर प्रत्याक्रमण, नोटबंदीरे महिलार जमाधन काढ़िसिल मोदीए, मणिपुर वस्त्र हरण हुआ समय मोदी नाभाविले मंगल सूत्रर कथा, कृषक शहीदर मंगल सूत्रर कथा नाभाविले मोदीए। कैसी कैसी बहकी बहकी बातें पिछले दो दिनों में अब ये शुरू हुआ है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आपके मंगलसूत्र और आपका सोना आपसे छीन ले। 70 सालों से ये देश स्वतंत्र है, 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है, किसी ने आपसे सोना छीना, आपके मंगलसूत्र छीने। इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी माँ का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है, और अगर मोदी जी मंगलसूत्र का महत्व समझते तो वो ऐसी अनैतिक बातें नहीं करते। किसान पर कर्ज चढ़ता है तो उसकी पत्नी अपने मंगलसूत्र को गिरवी रखती है, बच्चों की शादी होती है या दवाई की जरूरत होती है तो महिलाएं अपने गहने गिरवी रखती हैं। ये बात ये लोग नहीं समझते, और इसका प्रमाण ये है कि जब नोटबंदी हुई और महिलाओं की बचत इन्होंने ली, इन्होंने कहा कि बैंकों में पहुंचाओ, तब मोदी जी कहां थे? तब मोदी जी क्या कह रहे थे? ले रहे थे आपसे। मणिपुर में एक जवान की बीवी को वस्त्र हरण करके पूरे देश के सामने चलाया, मोदी जी चुप थे, कुछ नहीं बोले, उसके मंगलसूत्र के बारे में नहीं सोचा उन्होंने। जब देश में उन्होंने कहा कि कल से लॉकडाउन हो जाएगा और सारे मजदूर पूरे देश भर से, बेंगलोर से भी, यूपी, बिहार, अलग अलग जगहों में पैदल निकले, क्योंकि इन्होंने ट्रेनें बंद कर दी, बस बंद कर दी, तब जब खाना नहीं मिल रहा था शहरों में, जब कोई चारा नहीं था, तो महिलाओं ने अपने गहने, अपनी बचत गिरवी रखी, तब मोदी जी कहां थे? किसान आंदोलन हुआ, 600 किसान शहीद हुए, उनकी विधवाओं के मंगलसूत्र के बारे में सोचा मोदी जी ने? पलक नहीं झपकाई उन्होंने, और आज चुनाव के लिए, वोटों के लिए महिलाओं को ऐसी बातें कर रहे हैं, डरा रहे हैं ताकि डर के वो वोट दें। शर्म आनी चाहिए उनको, शर्म आनी चाहिए। এইদৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী কঠোৰ ভাষাৰে উভতি ধৰিছে কংগ্ৰেছ নেত্ৰী প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ এই আক্ৰমণ প্ৰত্যাক্ৰমণেৰে উত্তপ্ত হৈ পৰিছে দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট।